हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वन प्लस नोट 4 5G फ़ोन है, तो वन प्लस नोट 4 5G फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर आप इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे और कर सकते हैं, और कैसे अपने फ़ोन में OTG ऑप्शन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने वन प्लस फ़ोन में, तो आज हम वीडियो बताने वाले हैं कि OTG सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर पाएंगे वन प्लस फ़ोन में, और कैसे OTG सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो करें, इसमें स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही बेल आइकन से ओपन हो जाएंगे, जिसमें सेटिंग्स पर जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, इस पर जाकर आप अपने फ़ोन में OTG सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे। सिंपली देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं, जिसमें से आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही एडिशनल सेटिंग्स आपके फ़ोन पे आ जाएगी, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके अपने फ़ोन में OTG सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे। सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, तो OTG कनेक्शंस पे जाना है, जिसको ऑन कर देंगे, जिस पर जाकर आप OTG सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और OTG सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। सिंपली ऑन करते जो भी पेन ड्राइव अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, और आप ऑटोमेटिकली आपकी जो पेन ड्राइव कनेक्ट हो जाएगी इसको ऑन करते ही, और 10 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से डिसकनेक्ट हो जाएगी और जो आपका OTG वो भी ऑफ हो जाएगा। तो आप 10 मिनट तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं OTG कनेक्शन के जरिए, और पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर।